नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं सारे प्रशिक्षु इस सेशन को रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे। अगर नहीं भी फॉलो कर रहे हैं, अगर आप नए जुड़े हैं, थोड़ा सा भी देख के वीडियो को निकल जाते हैं, तो एक बार आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अंत तक देखिएगा। कोई एक सा वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ जो कंटेंट है काफ़ी लाजवाब है, PCS लेवल तक का है, यहाँ पे सुपर टेट, KVS, जितने भी हर जगह, सारे जगह जहाँ भी ज्योग्राफी आता है, GK आता है, अच्छे अच्छे एग्जामों में RO जो भी एग्जाम्स लगने वाले हैं पिट के आधार पे, रेलवे में कई सारे वैकेंसी आने वाली हैं आपके लोको पायलट वगैरह का, तो इस वजह से अगर आप इस सेशन को देखते हैं, डेली फॉलो करते हैं 8 बजे, तो आपको मतलब कहीं भी GK GS में तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी फ़िलहाल में हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी का 24वां लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग नदियाँ अभी समाप्त ही करे हैं। जस्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत की झीलें, कितने प्रकार की भारत की झीलें होती हैं इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे पूरा डिटेल में, और जो जो इम्पोर्टेंट झील हैं जहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं अनेक एग्जाम में, वहाँ से बिल्कुल आप आज इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए भारत की झीलें कुछ प्राकृतिक रूप से भी बनी हुई हैं, मैक्सिमम झीलें प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं, और कुछ झीलें कृत्रिम रूप से भी बनाई गई हैं। उसका यह रीज़न था कि बहुत सारे जगह नहरों का एक तरह से निकालना था, बहुत सारी जगह कह लीजिए कि हमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, तो इस वजह से बहुत सारी झील अभी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ कृत्रिम रूप से भी हैं। कृत्रिम रूप से तो मैक्सिमम झीलें नहीं, मतलब प्राकृतिक रूप से मैक्सिमम मिलेंगे, कृत्रिम रूप से कुछ झीलें दिख जाएंगी, जैसे कि अभी मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ ना। अब देखिए देश के अधिकांश भागों में, मैं बात करूँ देश के अधिकांश भागों में झीलों की स्थिति है, और देश के अधिकांश भागों में जो उत्तर पूर्वी वाला इलाका है मेरा, उत्तर पूर्व के जितने भी पर्वतीय प्रदेश हैं, उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश या फिर उत्तर के कह लीजिए, साफ साफ भाषा में उत्तर के जितने पर्वतीय प्रदेश हैं हमारे, जैसे UT में आपका जम्मू कश्मीर, और मतलब केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद आप इधर आएंगे तो सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, इधर आपका मणिपुर, नागालैंड, असम, इधर उड़ीसा, कुछ तटी वाले इलाके भी हैं हमारे, तो यहाँ पे हमको झील देखने को मिलेंगे। तो आपको पहले बात यह लोकेशन दिमाग में रखना है कि झील मैक्सिमम कहाँ पे मिलेंगे, एक तो उत्तर पर्वतीय पहाड़ों की तरफ, भाई आपको पता है हिमालय का पूरा रेंज जो है हमारे पूरे भारत का 2500 किलोमीटर, जो कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े हैं, एक एक वीडियो आप देखिएगा। अगर नए बच्चे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि PCS UPSC किसी भी एग्जाम में बैठना, ऐसे जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ऐसे आपको हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, बस आप देखते चलो। ये चीज़ें होगी हमारा यह रेंज, तो इस रेंज में हमको देखने को मिलेगा झील, एक तो इस तटीय वाले इलाके में, इसे पश्चिमी तट बोलेंगे, इसे पूर्वी तट बोलेंगे, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है, इधर आपको पता है कि आपका इधर जो है बंगाल की खाड़ी वाला इलाका, बंगाल की खाड़ी क्या, इधर आपका एक तरह से जो यहाँ पर खंभात की खाड़ी और यह वाला अरब सागर का इलाका है, पूरा अरब सागर, और यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों हिंद महासागर के ही दोनों भाग हैं। जैसे कि भारत का जो यह प्रायद्वीपी भारत है, यानी कि जो आपका पेनिनसुलर रीजन है भारत का, वह वाला पोर्शन बिल्कुल हिंद महासागर में गढ़ गया है, इस वजह से दो वाटर बॉडियों में बट जाता है, याद रखेंगे, इस वाले किनारे पर और इस वाले किनारे पर। ऐसे बहुत सारे झील हैं जिसको हम लैगून के नाम से जानते हैं, लैगून का ही नाइक नेम है, जिसे हम कहते हैं कि बहुत प्यारा सा नेम अनूप झील है। तो इसके पाँचों के विषय में पहले हम चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे क्या क्या कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले विवर्तनिकी झील, यह क्या होता है विवर्तनिकी झील, तो आपको बता देते हैं। इस प्रकार की झील का जो निर्माण होता है पृथ्वी के बड़े भागों का धस जाने से होता है। जैसे कश्मीर का वुलर झील जो है, आपको पता है कि इधर हमारा यह गोंडवाना लैंड है और यह अंगारा लैंड था, उत्तर वाला इलाका, बीच में पैंथलासा सागर है। जैसे कि हम लोग हैरिस हैस का नियम पढ़े थे और कोबर का भूसन्निति सिद्धांत पढ़े थे, तो उसमें यह दोनों लैंड आपस में जब टकराते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत भारी संख्या में, जैसे कि हैरी हैस ने बताया था टेक्टोनिक प्लेट का नियम, और आपके जो एक तरह से जो मतलब
एक और साइंटिस्ट है जो कि जिसको कहा जाता है हम लोग क्या कहते हैं जो पंथलासा सागर में कहते हैं कि बहुत सारी नदियां हैं इधर से उधर से जाकर उसको भर देती हैं अपने मलबे से, तो उनका छोड़कर है ना हम लोग केवल हैरी हैस के नियम को देखेंगे। हैरी हैस ने कहा था टेक्टोनिक्स प्लेट के कारण यह पूरा हिमालय का बनना है, यह बताया था उन्होंने। तो एक चीज अपने दिमाग से सोचिए आप, जब हमको पता है विवर्तन की झील है जो वह बहुत बड़े पैमाने पर भूभाग के धंसने से बना हुआ है, आप खुद ये सोचिए, यानी कि जो यह हमारा भाग है इस वाले भाग के नीचे धंसा होगा या फिर यह वाला भाग जो है इस वाले भाग के नीचे धंसा होगा। बीच में तो पैंथलासा सागर था भाई ना, जहाँ पे हिमालय है आज, तो धंसा होगा, तो इस वजह से ही हमें इस वाले रीजन में काफी ज्यादा झील देखने को मिलती है कृत्रिम रूप से, जो मतलब कि प्राकृतिक रूप से जो है, कृत्रिम रूप से नहीं प्राकृतिक रूप वाले जो नेचुरल द्वारा बनाया गया है। तो पहली बात यह है कि जो मैक्सिमम विवर्तनिकी झील है वो हमको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, इस वाले पहाड़ी वाले रीजन में ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसका कारण हमने आपको समझा दिया। पहला इसका एग्जाम्पल बुलर झील जो कि कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर यहाँ पे है, कश्मीर में पड़ता है, और बुलर झील जो है पूरे भारत का, पूरे विश्व का नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है, याद रखना है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में, भारत की, सिर्फ भारत की बात करें, पूरे विश्व का नहीं, पूरे विश्व का तो सुपीरियर है, जो कि आपके एक तरह से USA यानी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन पूरे भारत की मैं अगर बात कर लूँ, भारत का सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील बुलर झील है। किस प्रकार की झील है, तो विवर्तनिकी झील है। विवर्तनिकी झील किसे कहते हैं, बड़े भूभाग का किसी बड़े भूभाग के नीचे दब जाने से, धंस जाने से जो झील बनी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, बुलर झील कहते हैं। इस बात को याद रख लेना। इस पर विवर्तनिकी क्रियाएँ प्रभावित होती हैं। यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील, यह बात लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर। और आपको एक और झील हमका नाम बताते हैं, तुलबुल अभी आगे आएगा, एक और झील आगे आएगा जो तुलबुल नाम का परियोजना है ना, यह इसी मीठे पानी की झील पे स्थित है, इसी की मीठे पानी के आसपास में झील पे स्थित है, यह बात आप याद रखेंगे, सबसे बड़ी झील, ठीक है ना। और इस प्रकार जो तुलबुल परियोजना है उसे गाय के खुर की आकृति से देखा जाता है, जो कि इस बुलर झील के ही आसपास हमको देखने को मिल जाता है। तुलबुल परियोजना, परियोजनाओं का एक अलग सा सेशन हम लाएंगे, लेकिन बस आप थोड़ा सा जानते रहिए इसके बारे में, ठीक है। बुलर झील को गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। और कुमायूं हिमालय में, यह एक तरह से कह लीजिए, यह स्थित है, और अनेक प्रकार की झीलें कुमायूं हिमालय में स्थित है। कुमायूं हिमालय हमने बताया था आपको, देखिए यहाँ आपका क्या था, यह आपका जम्मू कश्मीर हिमालय, या फिर हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं इसे ना, सॉरी पंजाब हिमालय, या फिर आपका जम्मू कश्मीर हिमालय, और इधर कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय में बहुत सारी ऐसे झीलें हैं जो कि इसी प्रकार से बनी हुई हैं, दो नदियों के बीच में कुमायूं हिमालय, हमने बताया था आपको, नदी वाले जब डिवाइड हमने पढ़ा था, इधर से आपका सिंधु नदी था और इधर सतलज नदी था और इधर आपका काली नदी है। तो यह काली नदी और जो नेपाल से आ रही थी और ये आपका सतलज नदी, उन दोनों के बीच में ही कुमायूं नदी, कुमायूं का एक तरह से रीजन पड़ता है कुमायूं हिमालय का, जो कि कुमायूं का मैक्सिमम हिस्सा हमें उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है, यह बात हमने आपको बताया था, ठीक है। इस बात को आप नोट किए होंगे, तो जरूर एक बार उस कॉपी को पलट कर देखिएगा जो हमने पढ़ाया था, ठीक है। कुमायूं वाले रीजन में ये चीज़ें हमको ज़्यादा देखने को मिलती हैं और हम बुलर झील को गोखुर झील के नाम से जानते हैं, ठीक है, यह चीज़। अब आ जाते हैं ज्वालामुखी से निर्मित झील। ज्वालामुखी से निर्मित झील में सबसे बड़ा एग्जांपल आपको कोरोना के समय देखने को मिला था। आपको बता दें कोरोना के समय महाराष्ट्र में एक झील है, लोनार झील है, उसकी पानी लाल लाल हो गया था, तो कहा जाता है लाल एल्गी के कारण ऐसा देखने को मिला था हमें। लेकिन कुछ जो कि जियो साइंटिस्ट हैं उनका साफ साफ ये कहना होता है कि ज्वालामुखी क्रिया जो है, ज्वालामुखी से क्रिया से निर्मित झील जो है कि आपका महाराष्ट्र में एक स्थित है, महाराष्ट्र के बुलढाणा करके एक जगह है, बुलढाणा याद रखेंगे, बुलढाणा महाराष्ट्र का बुलढाणा एक जिला है, वहीं पर स्थित है आपका लोनार झील, जो कि क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। यह कहा जाता है कि बहुत सालों पहले, मतलब कई करोड़ साल पहले, यहाँ पर एक तरह से कहें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कई हजार साल पहले कह लीजिए ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, या फिर कह लीजिए क्रेटर कहते हैं, क्रेटर नुमा उसका आकृति होता है, मुख इस प्रकार से उसकी आकृति है, जैसे लगता है कि यहाँ से हमेशा लावा ही उगल रहा है, इस प्रकार से इसकी आकृति थी। इस वजह से इसको क्रेटर झील कहते हैं।
बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ज्वालामुखी क्रिया से न बनकर यह एक तरह से कहिए उल्का पिंड के गिरने से बना है। तो उल्का पिंड माना जाता है, सोचे तो अगर ज्योग्राफी रीजन देखें तो यह ज्वालामुखी से निर्मित झील है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। याद रखेंगे कौन सा है, बुलढाणा जिले में महाराष्ट्र के लोनार झील उसका नाम है, जो कि क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बातें आप याद रखेंगे बस। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, लैगून या अनूप झील। पहली बात है लैगून किसे कहते हैं। मैं अगर यहाँ पे लैगून की बात करूँ तो मान लीजिए भारत का तटीय भाग है और यह पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी है। तो अगर यहाँ से मैं कहूँ, अगर एक यहाँ से इस प्रकार की चीज़ें हैं, इस प्रकार के हैं, ऐसे ऐसे भारत का बॉर्डर लाइन है। तो जो यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी वाला रीजन है ना, वो इस वाले लाइन, इस वाले रीजन में घुस गया है पानी तीन तरफ से। मतलब ऐसी झील जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरी हो और एक तरफ से बड़े किसी वाटर, मतलब तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो और एक तरफ किसी वाटर बॉडी से घिरा हो, तो उसको, उस प्रकार के झील को हम क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं या फिर अनूप झील कहते हैं। लैगून झील का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल चिल्का लायक है, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। याद रखेंगे उड़ीसा के इस झील के पास, आपको पता है कि एक कह लिए जो आपके जो क्या बोलते हैं उसको, कछुआ पालन बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। और चिल्का झील जो है भारत का लैगून झील है और उस खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, इस चीज़ को याद रख लेंगे। भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील के नाम से चिल्का झील को जाना जाता है। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। किस वाटर बॉडी का यह एक लैगून है, तो बता देंगे बंगाल की खाड़ी का लैगून यहाँ पे बनता है। यह बात अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, बहुत बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे लैगून झील हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा लैगून झील है भारत का खारे पानी का, ठीक है। पुलिकट झील है, पुलिकट यह भी लैगून झील है, पुलिकट, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, यह तमिलनाडु वाला रीजन है आपका और यह आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, तो इन दोनों के बॉर्डर पे स्थित है पुलिकट झील, यह भी लैगून झील है। पुलिकट झील ये दोनों के बॉर्डर पे स्थित है, ये लैगून झील यह भी है, याद रखेंगे। और बहुत सारे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। आंध्र प्रदेश में एक तो यही हो गया, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे, एक हो गया अष्टमुड़ी झील, यह भी हमारा लैगून झील का एग्जाम्पल है। अष्टमुड़ी यह भी एक तरह से आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, सॉरी अष्टमुड़ी झील राजस्थान में स्थित है बेटा, राजस्थान वाले इस वाले रीजन में स्थित है, ठीक है ना, इसको आप याद रख लेंगे, राजस्थान में स्थित है, इस वाले रीजन में स्थित है राजस्थान के, इसको कहा जाता है अष्टमुड़ी झील, यह राजस्थान में स्थित है, केरल में स्थित है, केरल में। देखिए भाई, सुधार लिया जाता है तो गलती नहीं कही जाती है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे झील हैं तो आ जाते हैं आप समय बेटा, केरल में स्थित है, याद रखेंगे अष्टमुड़ी झील जो है केरल में स्थित है, यहाँ पे नहीं, केरल में स्थित है अष्टमुड़ी झील, इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, अष्टमुड़ी झील केरल में स्थित है, ठीक है। और कोलेरू झील जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है, और सांभर जो झील है ना यह राजस्थान में स्थित है बेटा, सांभर झील, ठीक है, सांभर झील कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है, इस बात को आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और अष्टमुड़ी झील केरल में और आपका सांभर झील राजस्थान में स्थित है। और कोलेरू झील जो है, कभी अगर ऐसा आ जाए आपको आंध्र प्रदेश ना देकर तमिलनाडु दे दे तो आप तमिलनाडु भी लगा सकते हैं, इस बात को याद रख लेना, अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है ना। मतलब थोड़े से दूर पे ही है, लेकिन अगर आंध्र प्रदेश नहीं रहा ऑप्शन में तो तमिलनाडु भी लगा सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे एकमात्र झील स्थित है पुलिकट झील, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, सांभर झील राजस्थान और अष्टमुड़ी झील केरल, यह सबके सब किसके एग्जाम्पल हैं, लैगून झील के एग्जाम्पल हैं। हिमानी झील, भाई हिमानी झील कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे बड़े बड़े एक तरह से ग्लेशियर हो, वही तो हिमानी का नाम, हिमानी मतलब यही हो गया भाई। तो कुमायूं हिमालय में अधिकांश ऐसे झील पाए जाते हैं, कुमायूं हिमालय हो गया एक तरह से कह लीजिए, जो आपके जो यहाँ पर बृहत हिमालय वाला क्षेत्र हो गया ना, इस वाले रीजन में भी हमको बहुत सारे हिमालय के रीजन देखने, मतलब एक तरह से हिमानी हिमालय देखने को मिल जाते हैं, हिमानी एक तरह से ग्लेशियर देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ से जो हिमानी ग्लेशियर होता है बेटा, वहाँ से बहुत बड़े रूप में जो बर्फ होता है पिघलने लगते हैं सारे के सारे, अब वहाँ से नदियाँ निकल के आती हैं, झीलें निकल के बनने लगती हैं, कोई नदी बन जाता है, कोई झील बन जाते हैं, तो इस प्रकार की हम झील को क्या कहते हैं, हिमानी झील कहते हैं, यह बात अपने दिमाग में रख लेना। जैसे राक्षसताल झील, ताल नाम से जितने झीलें हैं सब के सब कहाँ पाए जाएंगे, आपके उत्तराखंड में पाए जाएंगे, कुमायूं हिमालय वाले रीजन में पाए जाएंगे, कुमायूं हिमालय वाले रीजन में पाए जाएंगे, ठीक है। और कह लीजिए कि जो आपके सिसमी हमने पढ़ाया है, सिसमी है ना, यह ग्लेशियर है, इसके लिए एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा अभी। जो आपका यहाँ पर बेटा
लद्दाख वाला रीजन है, लद्दाख वाला रीजन, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों के तीनों जो श्रेणी हैं ट्रांस हिमालय के, यहाँ पे जितने भी ग्लेशियर स्थित हैं वहाँ से भी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। ये हिमालय के उत्तर वाली हिमालय है, मतलब ट्रांस हिमालय जो है हिमालय के उत्तर में पड़ता है, ठीक है। और हमारे हिमालय पर जो आपका भारत के यहाँ पे हिमालय स्थित है, या पूरा भारत का उत्तर वाला इलाका, इसमें एक पड़ता है कुमायू हिमालय का रीजन। तो वहाँ पे जितनी भी प्रकार की झीलें पाई जाती हैं लगभग लगभग सब के सब हिमानी हिमालय हैं, इस वजह से मतलब हिमानी झील है। कहा जाता है ना हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वह सदा नीरा हैं, सदा नीर हैं, जिसे वर्ष भर बहती रहती है, उसकी पानी कभी ख़त्म नहीं होता है, बारिश हो चाहे ना हो। तो इसका कारण यही है कि हिमानी यानी कि बर्फ़ के पिघलने से वह निकलती हुई पानी आती है, ग्लेशियर से ही होता है। और ग्लेशियर का पानी आपको पता है कि बिल्कुल प्योर वाटर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे खुरपका ताल, सुरमा ताल है ना, नौकिछुआ ताल है, भीम ताल, ये सब के सब आपके उत्तराखंड में ही पड़ेंगे, ताल नाम से ही, राक्षस ताल, नैनीताल है ना, अधिकांश झीलें जो ताल वाली हैं सब के सब आपके उत्तराखंड वाले रीजन में ही पड़ेंगी। और नाग वाले जैसे शेष नाग है ना, और इस तरह के नाग वाले जितने भी झील होंगे सबके सब जम्मू कश्मीर के आसपास में पड़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमम झील, हमने सारे की बात नहीं किया, मैक्सिमम, और कुछ तो तिब्बत वाले रीजन में भी पड़ते हैं, नाग के नाम से ही पड़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम झीलें नाग के नाम से, अगर भारत का उसमें ऑप्शन है तो जम्मू कश्मीर ही लगाना है आपको राज्य, ठीक है, मतलब कि यूपी में, ठीक है। अब आते हैं वायु द्वारा निर्मित झील, वायु द्वारा, देखिए एक और झील है मालवा ताल, रूपकुंड, रूपकुंड को कंकाल झील के नाम से जाना जाता है, यह बात भी याद रखेंगे आप, ठीक है ना, रूपकुंड, यह भी हमारे उत्तराखंड में ही पड़ता है, ठीक। अब वायु द्वारा निर्मित झील, वायु द्वारा निर्मित झील सांभर झील, वायु द्वारा निर्मित झील सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, राजस्थान में ही कह लीजिए केवल ही पाए जाते ही हैं, केवल राजस्थान में। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तरह से रेगिस्तान देखने को मिलेगा, राजस्थान वाले इलाके में रेगिस्तान देखने को मिलेगा, थार मरुस्थल देखने को मिलेगा। इस मरुस्थल से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, जो आपका भूमध्य सागरी रीजन है इधर से हवाएं आती हैं, और यहाँ से जो बालू वगैरह होता है ना बहुत भारी मात्रा में कभी कभी उड़ा देती हैं, बहुत तेज़ी से हवा आएगा तो यहाँ से बहुत मैक्सिमम बालू जो है उड़कर दूसरे जगह जाके जमा होने लगेगा, दूसरी जगह तो पीला बना देगा, लेकिन यहाँ का जो बालू उड़ाएगा ना तो यहाँ पे गड्ढा हो जाता है, वहाँ पे बारिश अगर हुआ या फिर कहीं से पानी का सोर्स हुआ तो वहाँ पे पानी एक तरह से कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार बने झील को, इस प्रकार से बने चीज़ों को, झील को हम क्या कहते हैं, वायु द्वारा निर्मित झील। जैसे सांभर झील, खारे पानी की झील भी होती हैं इस प्रकार की झील, याद रखेंगे खारे पानी की झील होती हैं सारे के सारे जो इस प्रकार बनती हैं वायु द्वारा और राजस्थानी वाले इलाके में बनती हैं, तो ठीक है। तो सांभर झील सबसे बड़ा आपको पता है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील लाइक आपका बुलर झील, और भारत का सबसे बड़ा लैगून खारे पानी की झील तो आप बताएंगे चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और डिडवाना झील यह राजस्थान में पड़ता है, डिडवाना झील कहाँ पड़ता है, सबसे ज़्यादा लौड़ी है यह भी राजस्थान में ही पड़ता है। इसके बाद लून करनसर झील यह भी कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। इतने मैक्सिमम झील हैं, अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको जो बचा कुचा है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। अब इसके बाद हम लोग देखते चलते हैं जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं। चलिए पहला उकाई झील, उकाई झील गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है और तापी नदी पर पड़ता है, गुजरात में आपको पता है तापी नदी जाती है, और उकाई बांध भी तापी नदी पर ही स्थित है जो कि मानव निर्मित झील है। उकाई झील लिखते चलिएगा, हम भी यहाँ पे लिखते चलते हैं, उकाई झील, क्या नाम है, उकाई झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालकर लिखते चलेंगे सारे के सारे। उकाई झील गुजरात में तापी नदी के तट पर, तापी नदी या ताप्ती नदी कहते हैं, जो कि उकाई एक तरह से कह लीजिए बांध भी ताप्ती नदी पर है। इसके बाद हम नदी डैम वगैरह पढ़ेंगे। और यह कैसा झील है, मानव निर्मित झील है यानी कृत्रिम झील है, याद रखेंगे। दूसरा कृत्रिम झील राणा प्रताप सागर झील, याद रखेंगे, जिसे जवाहर सागर झील के नाम से भी जाना जाता है, राणा प्रताप सागर झील जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जवाहर सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह राजस्थान में स्थित है, और कह लीजिए कि चंबल नदी और जो गांधी सागर है वहाँ से इसको पानी मिलता है, ठीक है ना, यह चीज़ें याद रखेंगे। इसके बाद गोविंद सागर झील, यह भी कृत्रिम झील ही है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है,
भाखड़ा बांध जो है इसी झील के जस्ट पीछे पड़ जाता है, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। यह भी कृत्रिम झील है जो कि कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में स्थित है। यहाँ पर इसी झील के जस्ट पीछे भाखड़ा नांगल आपको जो परियोजना इसी के जस्ट पीछे पड़ जाता है, ठीक है, भाखड़ा बांध, इसे भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं, ठीक है। पेरियार झील, पेरियार नदी कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। तो पेरियार नदी से पानी जस्ट मतलब पेरियार झील को मिलता है, याद रखेंगे। और एक तरह से कहा जाता है वैगई झील भी आपको इसी जगह मिल जाता है, तो वैगई झील से भी पानी कह लीजिए पेरियार झील में जाता है, ठीक है। वैगई झील नहीं, वैगई नदी, वैगई नदी केरल में बहती है, पेरियार नदी भी केरल में बहती है, तो पेरियार नदी के तट पर पेरियार झील तो है ही, और कहा जाता है वैगई नदी से भी पानी पेरियार झील में जाती है, याद रखेंगे। पेरियार झील केरल में स्थित है, पेरियार झील कहाँ पर स्थित होगी भाई, ये केरल वाला रीजन है, मैंने आपको बताया था यहीं पर स्थित होगी। और यह पेरियार जो है नदी, ये एक तरह से कैसी नदी है, लैगून झील है, सॉरी लैगून, हाँ पेरियार जो झील है ना लैगून झील है, और पेरियार नदी जो है ना इस झील के किनारे से होके जाती है, इस बात को आप याद रखोगे। इसके बाद आ जाते हैं गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, उसके पहले पढ़ लेते हैं नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर पड़ता है भाई, कृष्णा नदी, ये आंध्र प्रदेश मान लीजिए, तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी होके जाती है ना। कृष्णा नदी कहाँ कहाँ से होके जाती है भाई, महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है और तमिलनाडु, तमिलनाडु से होते हुए या आंध्र प्रदेश से होते हुए किधर चली जाती है आप बता दोगे, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से होते हुए ये किधर चली जाती है आपका, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इतनी बातें आप याद रखोगे, हमने बता दिया है नदी के बारे में सब कुछ। तो गोविंद मतलब कि जो नागार्जुन सागर है वह कृष्णा नदी पर स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह छत्तीसगढ़ और यूपी के बॉर्डर पर स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह सोन नदी की सहायक नदी पर, सोन नदी की, सोन नदी पर ही स्थित है कह लीजिए, और सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद, कली उसके भी किनारे यह पड़ जाता है, याद रखेंगे। कभी कभी दोनों ही एक तरह से, कभी कभी दोनों, इन दोनों में से कोई एक रहता है या फिर सोन नदी है, तो बता देंगे सोन नदी पर स्थित है आपका गोविंद बल्लभ पंत झील, इससे पानी इसको मिलता है और छत्तीसगढ़ यूपी के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक। स्टेनले झील, स्टेनले नाम से ही पता चल रहा है, स्टेनले जलाशय, स्टेनले झील जो कि तमिलनाडु, एक तरह से तमिलनाडु वाले राज्य में स्थित है और कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु वाले रीजन में कावेरी नदी पर स्थित है। और यह कह लीजिए कि जो आपका यह एक तरह से कावेरी नदी है, इसी पर एक तरह से कह लीजिए बांध भी पाया जाता है, डैम जिसको नाम है, जिसका नाम हम लोग कहते हैं, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, मैटूर डैम, मैटूर बांध लिख लेंगे। इसके बाद आपका पुलिकट, इसके बाद आपका पुलिकट, पुलिकट को देखते हैं। पुलिकट आपको बताया गया कि पुलिकट जो है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ जाता है, इतना सा याद रखना बस पुलिकट के बारे में। और यह चीज़ें बहुत बार पूछी गई हैं, ठीक है ना, बहुत बार यह मतलब कि कह लीजिए कि इसी पुलिकट के किनारे स्थित है जो आपका श्रीहरिकोटा है ना, श्रीहरिकोटा द्वीप, जहाँ से हमेशा लॉन्चिंग वगैरह होते रहते हैं, आपको पता है जो आपका इसरो है भारत का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, वह अपने सारे के सारे लगभग कह लीजिए मिसाइल लगभग जो श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग होती है, तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है, पुलिकट झील के पास स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। और कहा जाता है कि यह एक तरह से कह लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा झील कह नाम से भी जाना जाता है, जो कि 350 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, इतनी बातें आप याद रखोगे, ठीक है भाई। यह लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ें मैंने बताया। और इसके बाद आ जाता है आपका लोकटक झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, लोकटक झील जो कि मणिपुर राज्य में पड़ता है, देखिए यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे पड़ जाता है आपका नागालैंड, नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर राज्य, मणिपुर के नीचे मिजोरम राज्य, फिर त्रिपुरा राज्य, फिर आपका असम, यहाँ पर आपका पड़ जाता है मेघालय। तो जो यह आपका नागालैंड है ना, नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर पाया जाता है, मणिपुर में ही स्थित है लोकटक झील। इसे कहा जाता है कि एक तरह से कह लीजिए इस पे जो आपका लोकटक झील है, इसे मीठे पानी का झील बोला जाता है, याद रखेंगे। और इसी पे पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील भी है, यह भी याद रखेंगे। और कैबुल लाम जाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क, एक मात्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, कैबुल लाम जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट डालकर इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे कि लोकटक झील पर स्थित कैबुल लाम जाओ, क्या नाम है, कैबुल लाम जाओ, लाम जाओ, कैबुल लाम जाओ, जो एक कह लीजिए कि आपका कैबुल लाम जाओ एक तरह से कह लीजिए तैरता नामक राष्ट्रीय पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो कि लोकटक झील पर स्थित है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ
एक तरह से राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क है, जो कि आपके किस पर स्थित है भाई, लोकटक झील पर स्थित है। ये कहाँ पर पड़ता है? मणिपुर पे। और इसी लोकटक झील पर ना फुमडी नामक एक आकृति पाई जाती है इस लोकटक झील में, इस प्रकार के। तो इसी पे डांसिंग हिरन जब इसमें से इस पे कूदता है इस फुमडी पे, तो फुमडी डांस करने लगता है, हिलने लगता है। तो कहा जाता है डांसिंग हिरन कहाँ पे पाया जाता है, किस जलाशय में पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? तो बता देंगे मणिपुर राज्य में लोकटक जलाशय यानी कि लोकटक झील के पास, ठीक है, बेम्बानाथ झील। नेक्स्ट बेम्बानाथ झील, यह भी केरल में स्थित है। बेम्बानाथ झील केरल में स्थित है, याद रखेंगे। और इसी झील को कह लीजिए कि वेलिंगटन द्वीप स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है भाई, यह 96.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यह बात अपने दिमाग में रख लेंगे, ठीक है। पेम्बा पेरियार ये सब बांधें कह लीजिए इसी के पास में ही स्थित हैं। पेम्बा पेरियार नदी भी है जो कि बेम्बानाथ झील से ही निकलती है, या फिर बेम्बानाथ झील को इससे पानी मिलती है, यह दोनों बात आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आप, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी झील स्थित है, काउंट कर लीजिए कौन कौन से। एक तरह से डल झील जो कि मीठे पानी की झील है, पूरे भारत का सबसे बड़ा। इसके बाद मानस ताल, राकस ताल, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, यह हो गया गंधार झील। इसके बाद आ जाता है आपका अच्छा बल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अच्छा बल, याद रखना। फिर बैरीनाग झील, फिर इसके बाद नागिन झील, यह सब के सब झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, आपको पता है कि 2019 में आपका क्या हो गया था, यूटी बना दिया गया था, इसको दो भाग में बांट दिया गया था, लद्दाख में 2 जिले और जम्मू कश्मीर में भारत वाले हिस्से में 22 जिले हैं, ठीक है। और 6 जिले जो हैं कि किसमें पड़ जाते हैं आपके पीओके वाले रीजन में। इसके बाद राजस्थान के कौन से झील है भाई आप बता देना, उदय सागर झील, इसके बाद पिछौला झील, इसके बाद फतेह सागर झील, फिर जयसमंद झील, इस तरह से राजसमंद दोनों झीलें। इसके बाद तेलंगाना राज्य में आएंगे, तेलंगाना में हुसैन सागर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी का जो जल है ना यह हुसैन सागर झील से ही निकलती है, या फिर कल जो मूसी नदी है वो उसका पानी जो है कि कहाँ से हमको मिलता है, उसका हुसैन सागर झील से ही मिलता है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तराखंड में जितने ताल से बने हुए झील हैं सबके सब उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। बस ये रहा आपका एक तरह समग्र था झीलों का। अब इससे ज़्यादा हमको लगता नहीं है कि झील के बारे में कभी कुछ पूछे, डिटेल में भी पूछेगा तब भी आप बता दोगे, कोई एक सिंपल सा कोई पूछा तब भी आप बता दोगे। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, 1 से 2 बार देखना, सारे के सारे दिमाग में छप जाएंगे आपके, 1-2 बार रिटेन कर लेना कॉपी पे, बस नोट्स प्रिपेयर करके रखना। इसके बाद कल हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।